बीजेपी ने कहा कि किसान कर्ज माफी, मुआवजे और यूरिया को लेकर परेशान है और कमलनाथ सरकार पार्टी के जश्न में लगी है। कमलनाथ सरकार जनहित की योजनाएं बंद कर गरीब के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश में लगी है। बीजेपी का कहना है, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की वजह से प्रदेश का अन्नदाता यूरिया के लिए पूरे परिवार के साथ रात रात भर लाइनों में लगकर पुलिस की लाठियां खा रहा है। यूरिया की कालाबाजारी चरम पर है। शासन प्रशासन की मदद से यूरिया के दलालों ने प्रदेश में किसानों से लूट मचा रखी है। कमलनाथ और उनके मंत्री खेत की मेड़ पर जाने की जगह सोशल मीडिया से सरकार चला रहे हैं। 2 लाख के कर्ज माफी का झूठ, केंद्र सरकार द्वारा भेजे 1000 करोड़ की लूट की बंदरबाट में पूरी कांग्रेस सरकार जुटी है। बीजेपी विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने भैंसाखेड़ी मंडी में आयोजित खेत धरना को संबोधित करते हुए कहा कि यूरिया सोसाइटी में नहीं है पर बाजार में मुंह मांगे दाम पर बिक रहा है। कांग्रेस पैसे कमाने का कोई भी माध्यम छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस दिल्ली टूरिज्म पर है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनके मंत्री सब दिल्ली टूरिज्म पर है, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। जैसे हम सड़क पर बैठे, कमलनाथ का एक भी मंत्री अगर सड़क पर बैठता तो ईमानदारी से खेत पर जाता। 1 साल पूरे हो गए आज कांग्रेस के कमलनाथ सरकार को, एक भी मंत्री भोपाल जिले से लेकर पूरा भिंड मुरैना और भिंड मुरैना से लेकर रीवा सतना और रीवा सतवा से लेकर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से लेकर झाबुआ तक एक भी किसान की मेड़ पर नहीं गया कमलनाथ का मंत्री। बाढ़ पीड़ित हुई तो भी भाजपा गई। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, जितना कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने यूरिया मांगा उतना यूरिया उपलब्ध हुआ है। यूरिया अगर नहीं था तो कालाबाजारी कहां से हो रही है? किसानों को 400 रुपए का यूरिया 1000 रुपए में कैसे दिया जा रहा है? 2 नंबर में यूरिया कैसे बिक रहा है? सरकार की गोदामों से ही कालाबाजारी हो रही है और इसलिए यूरिया माफिया, यूरिया के दलाल और सरकार के लोग मिले हुए। सरकार चौतरफा पैसा कमा रही है। एक समाचार पत्र छापता है कि मध्य प्रदेश का हर दूसरा नागरिक सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हर दूसरा नागरिक, अब बचा हुआ जो किसान था वो पहले लूट गया, अब बर्बाद हो गया, अब बचा कोचा यूरिया की कालाबाजारी का शिकार हो। दतिया में भारतीय जनता पार्टी ने बस स्टैंड पर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कमलनाथ झूठे और वादा खिलाफी वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक भी किसान का 2 लाख रुपए कर्ज माफ नहीं किया, न ही बेरोजगारों को भत्ता दिया। उन्होंने कहा, जब खाद नहीं है तो ब्लैक में क्यों बिक रही है? मिश्रा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर कई प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं संचालित की, कांग्रेस उनको बंद कर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने में लगी है। खाद नहीं है तो मिल कैसे रही है? खाद अगर नहीं है तो ब्लैक में कैसे मिल रही है? और ब्लैक में मिल रही है तो किसान को क्यों नहीं मिल रही है? प्याज अगर नहीं है तो 100 रुपए किलो कैसे मिल रही है? और 100 रुपए किलो है तो गरीब को क्यों नहीं मिल रही है? पहला पॉइंट है। हमारा तुलनात्मक है, आप सबको मालूम होगा, प्याज की जब अधिकता हुई या शॉर्टेज आई तो रैक हमने बुलवा के रेलवे स्टेशन दतिया पर खुलवा दी थी कि जिसके प्याज चाहिए ले जाओ। गांव की सोसाइटियों पे प्याज भिजवा दी थी, कंट्रोल की दुकानों पे प्याज भिजवा दी थी कि जितनी प्याज चाहिए लो। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार पे आरोप लगा के ये बचना चाहते हैं और ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।